खूब कहा है किसी ने, प्यार जान लेता है। जी हाँ, प्यार जान ही लेता है। उन्नाव का एक मामला सामने आया जहां प्रेम प्रसंग के कारण पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। चने के खेत में मिला युवक का शव। शव की खबर लगते ही इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला उन्नाव की बांगड़माऊ कोतवाली क्षेत्र के मेला आलमसाह गांव का है, जहां कल शाम को घर से निकले युवक का शव आज चने के खेत में छत विस्तृत अवस्था में पड़ा मिला। परिजनों ने बांगड़माऊ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दो लोगों को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग के कारण युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। युवक की हत्या पत्थर से कुचल कर की गई। युवक के चेहरे पर गहरे चोटों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मालूम क्या सर? हाँ, तो रिश्ते में कौन लगते हैं? हमारा सगा भांजा, मतलब चाचा की बिटिया को लड़का। हाँ, है। हाँ, तो क्या कैसे कहा उसका मर्डर हुआ? ये 6 महीने पहले था, वो लड़का बकरी चला रहा है, लड़की बकरी चला रहा है, उनका प्रेम हो गया था और फोन से बात होती रहा है, तो क्या घर वाले ने उनका मारी नहीं तो वह भागे हैं। इनका हम शादी करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहीं विवाद भाव, लेकिन हम लोग शादी करना नहीं चाह रहे। अच्छा, वो जो आरोपी पकड़ा गया है वो कौन है? वो लड़की के, एक लड़की के है चाचा और एक बड़े दादा के लड़का है। अच्छा, हाँ दोनों। तो सब कैसे मिला उनको पुलिस को? साहब वही पकड़ा, वही दिन ने सब बताए कि हुआ पता है। अच्छा, जो पकड़े गए हैं आरोपी वही कबूले, उन्होंने कबूला है। हाँ, और घटना स्थल पर वही लगे गए, वही लगे गए। कौन सा गाँव है आपका? मलियनपुर। थाना कौन सा लगता है? बांगर। तुम्हारा? कमला। और तुम्हारे आदमी का नाम? मूलचंद। क्या हुआ आपके साथ? सर ये हुआ, घर से इनका लड़का लेवा ले गया, राम विलास का लड़का, और भगवती चचा भतीजे लेकर गए ठेके पर। यहाँ ठेके पर थे साहब, पता नहीं कहाँ लेवा ले गए। उसका 14,000 मोबाइल था, पता नहीं उसको छीन रहे थे। बिंदा बंदोबर करी, उन लोगों के कपड़े नच गए हैं और लड़का हमारा मार डाला। जब हम रात को गए, उनके घर वाले ने पूछी तो वो बोली हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम। फिर सुबह के बाद पुलिस गई तो उन लोगों ने कही साहब हमका नहीं मालूम कहाँ गए, ये लोग दूसरे गांव में बैठे जाए, हमारे गांव के लड़के गए। तब उन्होंने पकड़ा है, तब पुलिस पकड़ के लाई है, तब उन्होंने कबूले लाश बरामद हुई। लाश मिल गई है? हाँ, लाश मिल गई है सर। क्या नाम है लड़के का? बबलू। बाप का नाम क्या है उसके? मूलचंद। तो लाश मिल गई है? हाँ, लाश मिल गई सर। क्या कुछ लड़के का प्रकरण था? क्या था? ऐसा था, 6 महीने के पहले उस लड़की से वो कहीं चरान को लड़का हमारा, वो लड़की चरान आई तो बोली चाचा हमको अपनो दिखा दो, तो लड़कियाँ लड़कियाँ रहें सब देखती रहें। फिर उसने नंबर ले लिया, हमारे लड़के से बातचीत करने लगे। जब उसके माँ बाप मालूम भाई तो उसके बाप ने मारा, तो वो लड़की हमारे घर रोक बैठी है, कहने लगी हम यहाँ नहीं रहे, हमारे हमारी मातारी झूठी बदनाम करती हैं, हमका मारो ना मैं नहीं। हमने यहाँ कैसे रहे हो, हमारा लड़का चाचा लगा थे, तुम नातिन वहाँ लगती हो, जाओ। फिर पंचायत फैसला पड़ी सर, तो हमने कही भाई इसको समझा बुझा को इसकी लड़की शादी कर दो, ये लड़की बहुत बदतमीज हो चुकी है। क्या नाम है उस लड़की का? रानी। वो उसके बाप का क्या नाम है? वो बैठा है राम सहाय। राम सहाय। और वो इसके लिए उसकी जो लड़के की माँ ने मारा है वो लड़की की लिवा लाई है, तो लड़की पर कहा रही है कह दो हमारी परसों छेड़खानी करी थी और कहना इसी के लिए हमारी छेड़खानी करी थी और बड़ी माँ हमारी हमको लिवा लाई है, हमको ऐसे ऐसे कहवा रही है। ऐसे ही है।